मैंने अभी तक हाईजैक बेस्ड शो कोई नहीं किया. ये एक वन ऑफ अ काइंड शो है एंड कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती. बट अमिताभ सर आई लर्नड अ लॉट अबाउट टाइम. 82 इयर्स के हैं, उनकी एनर्जी. वो तो मैं अच्छा भी दिखता हूँगा तो लोग ख़राब बोलेंगे. ख़राब तो किसी ना किसी को आपको बोलना ही है. तो वो हर्षद मेहता पे एक एक तरीके से एक शो के लीड हैं. हमारी शुरुआत लीड से नहीं होती है. हमारी शुरुआत कोई एक अच्छे कैरेक्टर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए वहाँ से शुरुआत होती है. बट आई फील कहानियाँ बना सकते हैं हम. हमने ही चकदे बनाई थी और हमने ही रंगने बसंती बनाई थी. तो हम क्यों नहीं बना रहे. सलाम, मेरा नाम है अभिषेक खान और आप मुझे देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया. आज हमारे साथ है एक ऐसे एक्टर जिसके कई सारे शेड हैं. अभी वो लुटेरे में नजर आने वाले हैं लुटेरा बनके. तो चलिए आपको मिलवाते हैं अभिषेक खान से. हेलो, कैसे हैं आप? हेलो रजनी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. मैं लुटेरा नहीं हूँ इसमें. मैं ऑफिसर प्ले कर रहा हूँ. सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में और कॉन्ग्रेचुलेशन आपके शो के लिए. थैंक यू सो मच. तो कितना कुछ बदलाव आपने किया इस शो के लिए अपने आप में, क्योंकि आपका एक वेब सीरीज आया था बार्ड ऑफ ब्लड, उसमें आपने 9 किलो वजन अपना कम कर दिया था. अच्छा, तो क्या कुछ चेंजेस लाए आपने? वो 2019 में था. 2019 फिर 20 यानी कि आई थिंक जो 2 साल बाद हमने इस पर काम किया. मैंने इसकी शुरू होने से पहले एक स्केड्यूल पे मैंने गुड बाय ख़त्म कर ली थी. ऑलमोस्ट एक स्केड्यूल हमारा ख़त्म हो गया था जहाँ पे मैं बहुत पतला हुआ था बिकॉज वो कैरेक्टर वैसा था एंड आउट ऑफ शेप कैरेक्टर था. उसकी बॉडी बहुत आउट ऑफ शेप थी, इतनी नहीं थी शेप में. ये एक ऑफिसर का कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली एक पोस्चर होता है, एक वे ऑफ स्पीकिंग होता है. तो उस चीज़ को लेकर काम हुआ था. बट व्हेन यू एंटर शिप, जब आप एक ओरिजिनल शिप पे चलते हो ना तो आपके चलने का हाव भाव ही बदल जाता है. तो वो खुद ही धीरे धीरे करके ऑब्वियसली एक वक्त मिला मुझे जहाँ पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मैं इस पर इतना कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ. और एक डायरेक्टर होता है जय मेहता, वो ऑब्वियसली ही गाइड्स यू आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना सही है कितना सही नहीं है, सुर करेक्ट है या नहीं, वो आप खुद डिसाइड करते हो. सो हाँ, आपने बहुत सारे शो किए, गुड बाय भी किया अमिताभ बच्चन के साथ. तो कितना डिफरेंट है ये आपका लुटेरे शो बाकी हो से, क्या कुछ एक्सपीरियंस हो? बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज लुटेरे सोमालियन पायरेट्स के ऊपर है और हम सब ऑफिसर्स प्ले कर रहे हैं और एक रियल शिप पे शूट हुआ है. मैंने अभी तक हाईजैक बेस्ड शो कोई नहीं किया है. दिस इज़ अ प्रॉपर पायरेसी हाईजैक, जो पायरेट्स हाईजैक करते हैं रियल में ये होता है. इट्स बेस्ड ऑन, यू कैन से इट्स बेस्ड ऑन एटलीस्ट द फैक्ट्स कि किस तरीके से ये होता है, क्योंकि चीज़ें हम वहीं से ले सकते हैं. जब कोई असल में चीज़ होती है तो ही आप उसको एग्जाम्पल बना के एक कहानी उस पर लिख पाते. तो ये एक वन ऑफ अ काइंड शो है एंड थैंकफुल, वेरी थैंकफुल टू जय मेहता एंड हंसल सर, देव गॉट दिस शो आउट. अंशुमन सिन्हा की स्टोरी है, विशाल कपूर और सुपन वर्मा ने ये लिखा है एंड सब बहुत ही दिग्गज लोग हैं, इन्होंने बहुत काम किया हुआ है. सो ऐसे ही कोई अनयूजुअल कहानी को अनयूजुअल वे में ही दिखा रहे हैं वो. सो यह वो बहुत ही अलग शो है, आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आएगा. अपने कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अपने फैंस को ब्रीफ कर सकते हैं? जी, किस तरह का कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर जो है वो एक न्यूली ज्वाइंड शिप कैडेट है, उसका नाम मुदित जैन है और वो नया नया शिप पर आया है. बहुत ही स्वीट है, इनोसेंट है, उसके सवाल हैं. और शिप जो है वो यूक्रेन से आया है, सोमालिया की तरफ जा रहा है. उस पर एक कंटेनर है एंड दीज आर द पीपल हु वर्क देयर. तो वो एक नया लड़का है तो उन जो नए लोगों की एनर्जी होती है ना, एक क्वेश्चनेबल एनर्जी होती है, डर होता है और अंदर एक ब्रेवरी भी होती है, वो है. अगर आप जब शो देखेंगे तो आपको वो समझ आएगा. एक रियलिटी बेस पे आपने शो किया, क्या कुछ सीखा? रियलिटी बेस मतलब जैसे आपने बोला ना कि रियल स्टोरी जैसे सब होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. अच्छा, अच्छा, जी 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 जी, मेरे कहने का मतलब जी 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 जी. तो मैं डर गया रियलिटी. तो कितना कुछ सीखने को मिला आपको? हम लोगों को कितने चैलेंजेस फेस करने पड़े? चैलेंजेस पूरे थे बिकॉज एक तो आप रियल शिप पे शूट करते हो, वहाँ पे जगह इतनी नहीं होती है. पर हमारे चैलेंजेस उतने नहीं थे कंपैरेटिवली जितने क्रू के होते हैं. जो कैमरामैन हो गए और जो लोग होते हैं वो पूरी जो चीज़ें होते हैं वो ऊपर जा रही हैं, नीचे उतर रही हैं. स्टंट्स को लेके यस डिफ़िकल्टी हुई थी, बट देन ओवर द पीरियड वहाँ के जो स्टंट कोऑर्डिनेटर्स थे, जो स्टंट डायरेक्टर्स थे, दे टेक केयर ऑफ यू रियली वेल. ऑब्वियसली थोड़ी तकलीफ यहाँ होगी, वो ऊंच नीच होनी ही है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती. वेदर बिल्कुल साथ नहीं देता था और बट आई थिंक सो ये सब चीज़ें ही याद रह जाती हैं जब आप जब शूट करके वापस आते हो एक रियल शिप पे केप टाउन में, वापस ही सारी चीज़ें नहीं होंगी. सो वो सब मुझे लगता है कि वो चैलेंजेस मोर लाइक अब ऐसा लगता है क्या मेमोरी थी यार, क्या मज़ा आया ये सब करने में. एज एन एक्टर आपको ये सब करने को मिलता है, ये
नॉर्मल इंसान ये नहीं कर पाता है, यही प्रिविलेज है जिंदगी का, टू एक्ट इज बेसिकली द प्रिविलेज ऑफ लाइफ। आपने रेड चिली के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन जी के साथ काम किया, जिसके जी, सपने सब देखते हैं कि जी 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 तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ जब आपने काम किया? एक्सपीरियंस बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको मैं बोलूँगा कि खटका या मज़ा नहीं आया या अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंसेस वाइज एक्टर्स जितने भी हैं जिनके साथ भी काम करने का मौका मिला, सभी बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे लोग हैं। इमरान हाशमी, विनीत कुमार सिंह, जयदीप अहलावत और अमिताभ सर, पवेल गुलाटी, सुनील ग्रोवर, आशीष विद्यार्थी एंड अब रजत कपूर सर के साथ काम करने का मौका मिला। और भी शिफ्ट पे बहुत लोग हैं, नरेश मलिक जी के साथ मेरे कुछ सीन्स हैं, गौरव पासवाला है एंड द पायरेट्स, वो वेरी वेरी गुड। विद अमिताभ सर आई लर्न अ लॉट अबाउट टाइम एंड टाइम रिस्पेक्टिंग पीपल एंड There's this calm energy that he possesses. वो किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाते और इतना कुछ करने के बाद भी उनके अंदर कुछ है नहीं वैसा जो आपको ऐसा फील कराएगा कि मैं कुछ हूँ। वो होना, वो पोजेस करना बहुत बड़ी बात है। तो क्या कुछ सीखा आपने अमिताभ बच्चन जी से? टाइम, टाइम से रिलेटेड टाइम, वो बहुत ही बिफोर टाइम आने वाले इंसान है। टाइम की कदर करना सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ होती है ज़िंदगी में, वो करते हैं। 82 इयर्स के हैं, उनकी एनर्जी, जैसे कि मैंने कहा, उनकी एनर्जी, उनका टाइम, उनका बिहेवियर और ये तीन चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट हैं जो हमें लगता है इम्पॉर्टेंट नहीं। आपकी एग्जिस्टेंस इन अ वे इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप टाइम पर ना हो तो कितनी सारी चीज़ें ऑन टाइम नहीं होती हैं, और वो एक पूरा डे उस पर डिपेंड करता है। बिकॉज एक आदमी जो है वो घर जाने वाला है एंड में खाना खाने के लिए, वो लेट होगा, उससे शायद वो उस वजह से खाना ना खा पाए क्योंकि उसको 6 घंटा सोना है और फिर वापस सेट पे कराना है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम बच्चन साहब। आपकी जर्नी की अगर बात करें जी, कोई अपना गॉडफादर लेकर आता है जिसका इंडस्ट्री में रहता है, उसको काफी इजी वे रहता है आना, कोई स्टार किड्स रहता है, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? क्या आप किसी गॉडफादर के थ्रू आए थे या खुद के बोलते हैं ना स्ट्रगल से? गॉडफादर के थ्रू मैं नहीं आया हूँ, होता तो अभी मुझे लगता है कि और ज़्यादा काम होता मेरे पास कंपेरेटिवली, नॉट दैट मेरे पास काम नहीं है, थैंकफुली मेरे पास काम है और स्टार्टेड में हूँ नहीं एंड अच्छा है मैं नहीं हूँ, बिकॉज जहाँ से मैं आया हूँ वो सारे एक्सपीरियंसेस मुझे सिर्फ हेल्प करते हैं। मैं वर्सोवा में रहता था तो मुझे पता है कि वर्सोवा में लोग कैसे रहते थे। मुझे जिस घर में मैं पला बड़ा हूँ वहाँ पे हर तरह की भाषा बोली जाती है, हमें बहुत देश बहुत घुमाया गया है, मुझे मेरी माँ ने मुझे मेरा देश मुझे बहुत दिखाया है। मैं इंडिया में बहुत घुमा हूँ कंपेरेटिवली, जिससे मुझे पता है कि हर जगह पे लोगों की भाषा कितनी जल्दी बदलती है, वो किस चीज़ पर कैसा रिएक्ट करते हैं, खान पान क्या है। वो एक स्टार्टेड के लिए थोड़ा मुश्किल होता है शायद, बिकॉज हर इंसान अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी होता है उनको लेकर। मेरा उनसे कोई अगेंस्ट भी नहीं है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे उनसे लड़ने आया। हाँ, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, बट अगर आप देखें तो मौके अब मिलने शुरू हुए हैं और मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ। बाकी मैं किसी को मार नहीं सकता या मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि तुम इसके साथ फिल्म मत बनाओ। इंस्टेंट मैं चूज़ कर सकता हूँ कि मैं इनके साथ काम ना करूँ, स्पेसिफिक डायरेक्टर के साथ काम ना करूँ या स्पेसिफिक प्रोडक्शन के साथ काम ना करूँ। बट द एम राइट नाउ इज़ टू डू ओनली ओरिजिनल फिल्म्स and films that speak of love and hope, that's it. तो कुछ तो challenges आपको face करना पड़ा होगा, absolutely challenge तो रहेगा ही, challenge तो है ही। I feel challenge is कि अगर आपको मैं बोलूँ मलाड से वर्सोवा आना है, वो challenge ही है ना। अगर आपको मैं बोलूँ 15 मिनट में आपको वहाँ पहुँचना है, तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जिससे आप मे बी 20 मिनट बाद पहुँचोगे। वो ही है लाइफ मेरे हिसाब से। मैं अगर आपको बताऊँगा ये हुआ वो हुआ, वो सब बोलते हैं, वो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा कि मुझे इसने मना कर दिया, इसने मुझे कह दिया मैं ख़राब दिखता हूँ। वो तो मैं अच्छा भी दिखता हूँगा तो लोग ख़राब बोलेंगे। ख़राब तो किसी ना किसी को आपको बोलना ही है मेरे हिसाब से। कोई भी इंसान आपको पूरी तरीके से ये नहीं बोलने वाला कि आप बिल्कुल अच्छे दिखते हो यार, ये और नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिकॉज आपके अंदर हवा आ जाती है एक कि मैं तो अच्छा दिखता हूँ, मैं तो इतना काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत कम काम करता हूँ, मैं बहुत ठीक दिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हमने ऐसी कुछ चीज़ नोटिस की होगी आपके हिसाब से
जो आउटसाइडर रहते हैं जी और जो जी स्टार किड्स होते हैं या जिसका गॉडफादर, तो क्या टैलेंट की कदर की जाती है या फिर उनके सोर्स की जिसके सी थ्रू देयर आर आते सम हैं? पीपल जो टैलेंट की कदर बहुत करते हैं. अगर आप हंसल सर का कोई भी शो उठा के देखोगे तो प्रतीक गांधी एग्जिस्ट करते हैं और उन्होंने बहुत थिएटर किया है, बहुत गुजराती सिनेमा किया है, बहुत काम किया है, बट आप उनको जानते हो बिकॉज ऑफ हर्षद मेहता. तो वो हर्षद मेहता पे एक एक तरीके से एक शो के लीड हैं. वो रिस्क लिया ना उन्होंने. जस्ट लाइक जय, अगर आप शो में देखते हो रजत कपूर है, विवेक गौम्बर है, बट हम सब पे तो उन्होंने रिस्क लिया ना. हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं, जो गीतांजलि के लोग ही और नरेश मलिक होंगे, हम सब नए लोग हैं. मैं और कृष्णेंदु साहब हैं और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को लिया है बिकॉज ऑफ इनकी फिल्म मेकिंग, इनकी बैकग्राउंड ऐसी है, दे बिलीव के नए लोग आने चाहिए तो कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती है. और जब आपको लगता है कि आपको फिल्म में पैसे कमाने हैं तो कुछ लोग नॉन फेसेस लेते हैं और नॉन भी उनको आई थिंक सो ऐसा भी नहीं है कि कोई नॉन अपने आप बन रहा है, नॉन बनाया भी जा रहा है एक तरीके से. मैं अगर नॉन बनूंगा इज बिकॉज ऑफ माई वर्क, सम पीपल विल बी नॉन बिकॉज ऑफ गोइंग टू अ रियलिटी शो और मे बी बिकॉज ऑफ अ वायरल रील और मे बी बिकॉज दे आर स्टैंड अप कॉमेडियंस. सबका एक एक जरिया है. उनके लिए आई फील स्टार किड्स के लिए कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी होता है. हमारे लिए ऐसा है कि हमको ऑडिशन करना पड़ता ही है. कोई अगर आपको ये बोल दे कि मैं ऑडिशन देकर आया हूँ, तो वो ये भी हो सकता है कि प्रिविलेज में 10 लोगों की जगह पे 5 लोगों के ऑडिशन में आपको एक इजी एंट्रेंस मिलती है. मुझे 100 लोगों की जगह में इजी बनानी पड़ती है अपनी जगह. वो डिफ़िकल्ट पार्ट है. यहाँ एक कैरेक्टर के लिए 100 हैं, वहाँ पे उस कैरेक्टर के लिए 5 या 6 हो सकते हैं. जो कुछ लोग आई थिंक से कुछ स्टार्स हैं जो बोलते हैं उन्होंने ऑडिशन दिया, वो 10 लोगों के अंदर उन्होंने ऑडिशन दिया और वो एक लीड कैरेक्टर के लिए दे रहे हैं. हमारी शुरुआत लीड से नहीं होती है. हमारी शुरुआत कोई एक अच्छे कैरेक्टर मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, वहाँ से शुरुआत होती है. बट ये भी होता है कि आप में कितना कॉन्फिडेंस है, आप कितना रुक सकते हो, आप में कितना पेशेंस है. मेरे पास प्रिविलेज है कि मेरा घर यहीं है और मेरे पास थोड़ा पेशेंस भी था बिकॉज मेरा घर यहीं है. तो मैं धीरे धीरे करके वो चीज़ें कर रहा हूँ जो मुझे खुद पसंद है, ना कि सारी चीज़ें कर रहा हूँ. अगर पैसों की ज़रूरत होती शायद मैं सब काम कर रहा होता. स्ट्रगल के दिनों में कभी आपको रिजेक्शन झेलना पड़ा? पूरा टाइम, अभी भी मिलता है. अभी भी मैं रिजेक्ट होता हूँ और उसमें आई डोंट फील बैड नाउ. अभी मुझे मज़ा आता है जब मुझे पता चलता है कि मुझे रिजेक्ट क्यों 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 किस चीज़ पे कर रहे हैं. अगर कैरेक्टर की नीड कुछ और है और मैंने ऑडिशन अच्छा दिया है तो लोग मुझे बोल देते हैं कि यार आपका ऑडिशन बहुत अच्छा था, सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो दैट गिव्स यू अ वैलिडेशन राइट, कि मेरा ऑडिशन अच्छा था, मैं अपना काम अच्छा कर रहा हूँ. रिजेक्शन आने ही है. आई एम टेलिंग यू पीपल विल स्टिल नॉट से आई एम द मोस्ट गुड लुकिंग गाय हियर इवन इफ यू आर. तो वो चीज़ दिमाग में लेके ही चलता हूँ मैं कि मैं यहाँ हूँ एक हमल ग्राउंड पे, वैसे ही रहूँगा और मैं सिर्फ मेहनत जब करता हूँ तब मैं आई कीप वर्किंग हार्ड वेरी हार्ड आई वर्क वेरी हार्ड ऑन माई सेल्फ इज़ वॉट आई नो एंड पीपल अराउंड मी हू वर्क विद मी दे विल नॉट डिसअग्री टू दिस. आई वर्क वेरी हार्ड इज़ वॉट आई नो. दैट्स इट. दैट्स द ओनली करेंसी दैट आई हैव वर्किंग हार्ड. इंडस्ट्री को बहुत करीब से आपने देखा है तो जी, एज थोड़ा एक्टर क्या कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं आपके हिसाब से? किस तरह की फिल्में बननी चाहिए, कुछ इस तरह का बदलाव होना चाहिए? तीन चीज़ें हैं. एक, एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली. टू, आई फील दैट हम जब टैग करते हैं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आई विश हम वी स्टार्ट टैगिंग ऑल द एक्टर्स हु प्लेड अ सर्टेन कैरेक्टर. एंड 3, खाना सबको एक तरह का मिले, वो वही बेसिकली क्वालिटी. एंड बेसिकली ऑल्सो आई वुड से ओरिजिनल फिल्म, वी डोंट मेक ओरिजिनल फिल्म, वी रीमेक अ लॉट. दैट्स आर प्रॉब्लम. मुंबई में ही इतनी कहानियाँ हैं, हम देखते ही नहीं. महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हमने यहाँ से जाके सतारा नहीं देखा, तो हम कैसे बनाएंगे? नॉट दैट मैं किसी को टॉन्ट कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हमारे पास है कहानियाँ, बनाओ, वेट करो. सिर्फ अगर पैसा कमाने के लिए होता है ये, तो फिर कुछ और ही बात होती है. वो एक अलग चीज़ है. बट आई फील कहानियाँ बना सकते हैं हम. हमने ही चकदे बनाई थी और हमने ही रंगदे बसंती बनाई, तो हम क्यों नहीं बना रहे? वही प्रॉब्लम है. आगे किस तरह की फिल्में, किस तरह के शो करना चाहते हैं और किस एक्टर के साथ करना चाहते हैं? आगे जो फिल्में करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो फिल्में सिर्फ प्यार बांटे, इज्जत बांटे लोगों में, किसी के अंदर कोई तरह की किसी भी तरह की दूरी ना लाए. बेसिकली फिल्म्स ऑफ लव एंड होप. एंड काम मैं करना चाहता हूँ, आई रियली रियली वॉन्ट टू वर्क विद विक्रांत मैसे, आई रियली लाइक हिम. But there are many South actors that I really want to work with. Many Tamil and Telugu, Malayalam actors, Soumen Sahir, Hath Fasil, Nani from Telugu industry.
धनुष आई रियली लव. अली फजल इज समवन आई रियली वांट टू वर्क विद. एंड देयर इज अ कंटेम्प्रेरी एक्टर एट हिम आल्सो वंस आदर्श आदर्श गौरव आई रियली वांट टू वर्क विद हिम. लास्टली अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहते हो? फैंस तो मुझे नहीं पता सच, बट आई वुड वांट देम टू गो वॉच लुटेरे एंड ऑल्सो गुड बाय विच इज ऑन नेटफ्लिक्स एंड एवरी अदर थिंग दैट आई डन वेरी लेस वर्क बट it's all very sweet and nice work. You can watch it with your family also. Thank you so much. आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा.